गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 8, जिसका नाम है वो सुबह कभी तो आएगी। ये एक सच्ची कहानी है और इसको सलमा नाम की एक लड़की ने लिखा है, जो इस कहानी में बताए गए गैस हादसे का शिकार हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में साल 1984 में हुए एक गैस हादसे के बारे में है। तो जो सलमा है इस कहानी को लिखने वाली, वो भी इस हादसे का शिकार हुई थी। तो जो उस पर बीती वो उसने इस कहानी में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती है। मेरे चेहरे पर सूजन रहती है। गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। तो इस कहानी में जो सलमा है वो बता रही है कि जब भोपाल में गैस फैली थी तो क्या हुआ था और उसका असर सलमा के ऊपर किस तरह पड़ा। इस गैस हादसे की वजह से सलमा बीमार हो गई थी और उसके चेहरे पर सूजन रहती थी और उसके गले के अंदर खून रिसता रहता था। आगे सलमा लिखती है, शुरू में ये चक्के एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए। मेरा दायां पांव अब भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई थी। जब गैस हादसा हुआ तो उस गैस हादसे में बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे और कुछ मर भी गए थे, तो सलमा भी उनमें से एक है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए थे, यानी उनका इंतकाल हो गया था। तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई। वो दरवाज़े पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्ला कर कहती कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो अब इतना परेशान ना हो। तो जो गैस हादसे में सलमा थी उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था और जिसकी वजह से उसकी अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और सलमा को भी बहुत ज़्यादा इस हादसे से नुकसान उठाना पड़ा था। डॉक्टर हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता यानी धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ तजबीज यानी कोशिश करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी,
किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक पैसे थे हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों का काम भी करना पड़ता। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ ना कुछ खर्च भी होता रहता। मैं हमेशा से बीमार रही। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्लाती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च ही 250 रुपये रोज़ाना का है। इलाज का खर्च अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाए। वो ना मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक के दोपहर को वो वापस ना आए। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसा कहाँ से लाए, पर वो मेरे इलाज के लिए कहीं ना कहीं से पैसे ले ही आती। तो आप सलमा कह रही है कि जब इस खेत हादसे की वजह से उसके अब्बू का इंतकाल हो गया और फिर उसकी अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई, तो फिर उसके बाद उसके अब्बू की एक दुकान थी जिसे बिकवा कर उनके पास कुछ पैसे आ गए। लेकिन जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो फिर उसकी अम्मी को बाहर दूसरों के घरों में काम भी करना पड़ा और सबसे पैसे उधार मांगने पड़े। फिर आगे सलमा कह रही है कि उसके इलाज के लिए भी उसकी अम्मी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने बताया कि एक प्राइवेट डॉक्टर थे, वो अच्छा माना जाता है, तो आप उसको उसके पास ले जाएं। तो सलमा की अम्मी सलमा को उस प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गई। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन दर्द और गले से खून का रिसना भी बंद हो गया है। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं जीना चाहती हूँ। सलमा। तो इस कहानी में सलमान बताया कि गैस हादसे का उसके परिवार के ऊपर क्या असर हुआ और उस खुद उसके ऊपर भी क्या असर हुआ। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।